देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। बीजेपी की मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को यह न्योता। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने आने वाले चुनाव को लेकर कमर कस ली है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक अलग तरह की खबर भी सामने आई है। मध्य प्रदेश के गुना से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक बड़ा बयान देते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दे दिया है। बीजेपी के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को न्योता देते हुए कहा कि कांग्रेस में लायक लोगों की कद्र नहीं है। यहां बता दें कि मंत्री सिसोदिया के रिश्ते में टीएस सिंहदेव संबंधी लगते हैं और बता दें कि टीएस सिंहदेव द्वारा आरएसएस की तारीफ किए जाने के बाद मंत्री सिसोदिया ने उन्हें न्योता दिया है। अब राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होने के बाद चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार अनदेखी किए जाने की खबरें आती रही थी, जिसको लेकर उनके समर्थकों द्वारा हंगामा भी किया गया है। माना जा रहा है कि इन्हीं बातों को लेकर उन्हें बीजेपी में आने का निर्णय लिया है। मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दें और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी आपको निश्चित रूप से आपके मान सम्मान और छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा हित सुरक्षित रखे। भाजपा की एक मजबूती है, उनकी अपने आप एक मजबूती है, उनके संगठन की मजबूती है और कभी उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 45-50 साल से राजनीति को दूर से पास से देख रहा हूँ। वो आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा, इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।